अपने स्थापना के 75वें पड़ाव को पार कर चुके वेलहम बॉयज स्कूल में आज स्कूल के पुराने छात्र इकट्ठा हुए। सालों पहले कभी वेलहम बॉयज में पढ़े छात्र खुद को वेलहम स्कूल में दोबारा पाकर काफी उत्साहित नजर आए। मीडिया से रूबरू होते हुए फिल्म अभिनेता जायद खान ने कहा कि 19 सालों बाद वो अपने स्कूल लौटे हैं। देश के नामी गिरामी स्कूलों में शुमार देहरादून का वेलहम बॉयज स्कूल किसी शोहरत का मोहताज नहीं है। इस स्कूल में देश की कई हस्तियों ने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। इस स्कूल ने देश को कई नामी इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन और जर्नलिस्ट दिए हैं, जो अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वेलहम बॉयज स्कूल ने शनिवार को अपनी स्थापना के 75 साल पूरे किए। इस अवसर पर इस स्कूल में पढ़ाई कर चुके कई पुराने छात्र इकट्ठा हुए। इस स्कूल में फिल्म अभिनेता जायद खान ने भी शिक्षा पाई थी और वो भी इस अवसर पर यहाँ आए। उन्होंने कहा कि यहाँ लौटकर उन्हें काफी बदलाव देखने को मिले। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक बहुत ही अच्छी एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है यहाँ पे आके, और 20 साल बाद आ रहा हूँ। बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं स्कूल में, बहुत सारी फैसिलिटीज आ गए हैं, और मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ के उनका सब एडवांटेज लेता है यहाँ पे। मुझे बहुत अलग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पति फिर से बच्चे बन गए हैं। मतलब ही सो हैप्पी, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी फैमिली में वापस आ गए। मतलब आई कैन सी मतलब मुझे अपने स्कूल के, लेकिन हमारा स्कूल मतलब ऐसे फैमिली की तरह नहीं था, हम तो स्कूल की तरह गए थे, स्कूल की तरह पास आउट हो गए। मतलब एक सारी फीलिंग नहीं थी हमारे अंदर, लेकिन यहाँ पर आकर लग रहा है कि हाँ एक फैमिली तरह ये लोग आपस में रहे, भाई बहन, मतलब इनके पास भाई बहन साथ में नहीं थे, माँ बाप साथ में नहीं थे, लेकिन ऑल ऑफ देम एक दूसरे के लिए माँ बाप भी थे, भाई बहन भी थे, दोस्त थे। मतलब ये लोग आपस में, आई डोंट थिंक ये लोग कभी एक दूसरे को मिस मतलब भूल पाएंगे। सालों पहले कभी वेलहम बॉयज में पढ़े छात्र खुद को वेलहम स्कूल में दोबारा पाकर काफी उत्साहित नजर आए। कई ऐसे पुराने छात्र भी पहुंचे जो 50 साल पहले यहां से अपनी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। सालों बाद एक दूसरे से मिलकर छात्र काफी खुश नजर आए। इस टोटल वननेस, टोटल हैप्पीनेस एंड टोटल एक्साइटमेंट। सबसे बड़ा चाम ये है कि जितना प्यार हम सब में है, उतना प्यार भाइयों में नहीं होता, जो ये प्यार दोस्तों में। कहते हैं अच्छी शिक्षा से व्यक्ति का विकास होता है, जिससे वो देश के विकास में अपना योगदान देता है। वेलहम बॉयज ऐसा ही स्कूल है जिसने दशकों से देश को कई कर्णधार दिए और भावी कर्णधारों को तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। आगे बढ़ते हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी में अर्थकार